13 फरवरी साल 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म तत्कालीन हैदराबाद रियासत में हुआ। वे भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मेधावी सरोजनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक रहा। एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश को समर्पित किया। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की ये अध्यक्ष बनी। साल 1932 में सरोजनी नायडू भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। भारत सरकार ने इनकी जयंती के अवसर पर 15 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। इनकी जयंती भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है।